तुम्हें पता है ये कितना बड़ा शैतान है, इसने मुझे बहुत परेशान किया है और लगता है अब मुझे और भी परेशान करेगा। See you soon. अफीम, ये घर अब तुम्हारा है। इस परिवार के सभी सदस्य तुम्हारे अपने हैं। आई नो हमारी शादी होने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन मैं तुम्हें अभी से अपनी पत्नी मानता हूं। मेरे एब्सेंस में तुम इस घर का बड़ा बेटा, अपना, छोटे का और सबका ख्याल रख, ठीक है? आई लव यू मिसेस अवनी कपूर। आई लव यू सर। फ्लाइट लेफ्ट में मयंक। तो दिया है मुझे, अब मैं क्या खेलूं इसमें? ट्राई तो करो, सीखो तो। ये ऐसे नहीं चलता, किसा ऐसे नहीं चलता। नहीं ऐसे ही चलेगा। एक सेकंड, तुमने क्या कैरम बोर्ड समझ रखा है? मैं ये खेलूं। अच्छा, वो चेस खेली जा रही है। पापा, अच्छा हो गया आप आ गए। मुझे आपसे कुछ बोलना था। ये जो आपके दोनों बेटे है ना, एक नंबर के झूठे है झूठे। आपको पता है इन्होंने मुझे कितना बड़ा उल्लू बनाया? मयंक ने इसका नाम ही नहीं बताया, नाम छुपाते रहा, छोटे छोटे बुलाते रहा। और ये जो है बंदर, इसको तो पता था कि इसका झूठ तो पकड़ा जाएगा अगर मैं इससे बात करूंगी तो गायब हो गया। सच्ची में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस बंदर की भाभी बनूंगी। तो ठीक है ना, तुम अभी तो सेफ हो। पापा मैं क्या कह रहा हूँ, भैया बहुत बोरिंग और सड़ू किस्म के इंसान है, इसको बोल दो ये मुझसे शादी कर ले, सेट है। हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। क्या गौतम? क्या हुआ पापा? अभी अभी तुम पापा भैया। पापा हेलो, आप लेट जाइए, आप लेट जाइए पापा, लेट जाइए पापा, पापा सांस लीजिए। गौतम, गौतम क्या हो रहा है पापा को देखो। हाँ तुम, मैं फोन करता हूँ। गौतम, गौतम बता क्यों नहीं रहे हो, क्या हो रहा है? डैड आईसीयू में क्यों है? किसका फोन था? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? अग्नि भाई। क्या भाई? भाई भाई का प्लेन क्रैश हो गया, इज नो मोर। भागा चला जा रहा है। तुमने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है बेटा, बहुत ख्याल रखा है हम सबका, पर ऐसे नहीं होता है। जाने वालों के लिए जिंदगी नहीं रोकी जा सकती, और फिर तेरी जिंदगी तो अभी शुरू होना भी बाकी है। जा बेटा, लौट जा अपने घर। कब तक ऐसे मयंक की बेवा बनकर इस घर में बैठी रहेगी तू? कैसे चली जाओ? आपको पता है जाने से पहले उन्होंने मुझे इस घर की जिम्मेदारी दी थी, कहा कि मेरे एब्सेंस में तू इस घर का बेटा है, तो कैसे चली जाऊं? उन्होंने अपने देश के लिए अपना फर्ज निभाया और मैं इस घर के लिए अपना फर्ज निभाऊंगी। लोग ये क्या कर रहे हैं? आज भैया की बरसी और आज के दिन कोई सेंटी नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा। चलिए आप लोग उठिए, हम लोग कहीं बाहर घूमने जाएंगे। चलिए। अरे नहीं बेटा, मैं कहाँ जाऊंगा? ऐसा करो,
तुम लोग दोनों होके आओ। और वैसे भी ना तुम्हारी बुआ आ रही है, तो उसकी बातें सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए। बुआ अगर आ रही है तो हम दोनों भी रुक जाते हैं ना? नहीं नहीं, मैं बुआ की चक्कर चक्कर फालतू बातें नहीं सुनूंगा। हम बाहर जाएंगे, हम घर पे नहीं रुकेंगे। चलिए पापा, चलिए। हाँ उन्नी बेटा, बुआ आ रही है तो क्या हुआ? देखो आज संडे है और तुम दोनों को सिर्फ एक दिन छुट्टी मिलती है। ऐसा करो तुम दोनों होके आओ, अच्छा लगेगा बेटा। ठीक है। शायद मैं तुम्हारा वो आम हस्बैंड नहीं बन पाऊंगा। अवनी तो पागल हो जाओगी गौतम, मैं नहीं भूल पा रही हूँ। मैं सोते जाते उठते बैठते बस मुझे उसी की याद आती है। काश मैं उसे रोक पाती। तुम्हें क्या लगता है तुम उन्हें रोकते और वो रुक जाते? Don't blame yourself. मैं क्या करूं बस? तुम ही बताओ मैं क्या करूं? सिर्फ एक महीने हम साथ में थे, ऐसा लगता है कि जन्मों जन्मों का प्यार था और बस भुलाना नामुमकिन है। अपनी तुम्हें इस गम से बाहर निकलना होगा, क्योंकि तुमने अभी अगर पीछा नहीं छोड़ा है ना तो जिंदगी भर इनमें घुट के रह जाओ। तुम्हें पता है अगर भाई तुम्हें इस हालत में देखता तो क्या कहता? अपनी यू आर वाइफ ऑफ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मयंक कपूर। डोंट बिहेव लाइक अ लूजर। आई एम नॉट अ लूजर। यस यू आर अ लूजर। कैन यू टॉक टू मी लाइक दैट? आई एम नॉट अ लूजर। देन डोंट बिहेव लाइक वन अवनी, डोंट बिहेव लाइक वन। अवनी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मयंक कपूर मेरा भी भाई था और वो शहीद हुआ है, और शहीद की मौत पर ऐसे आंसू नहीं बहाते बल्कि सर फक्र से ऊंचा करते। देखो अभी मैं जानता हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, प्रैक्टिकल हो। यू आर जस्ट लूजिंग योर सेल्फ। आई वॉन्ट होल्ड अवनी बैक। शी विल गेट हर बैक फॉर मी। देखो दो हफ्ते में तुम्हारे एग्जाम, मैं चाहता हूँ कि तुम उस एग्जाम को क्लियर करो और इस देश की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट लॉयर बनो। लाइब्रेरी में मुझे पढ़ाती थी ना तो मैं वो रजिस्टर के पीछे हमारे कार्टून्स बनाता था। तुम्हारे गुस्से से डर बहुत लगता था मुझे, लेकिन जब भी तुम वो गुस्से में मेरा कान मरोड़ती थी तो ऐसा लगता था कि ये गलतियां बार बार करो। मेरे गंदे से गंदे जोक पे हंसती थी तो, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत फनी हूं। कितना डम था मैं। जिस दिन भी तुम स्कूल नहीं आती थी ना उस दिन पूरा का पूरा स्कूल वीराना लगता था। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल हर लम्हा इतना इम्पोर्टेंट था कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता।
मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि तुम तब मेरी कुछ नहीं से सब कुछ बन गई। बहुत बार कोशिश की मैंने कि मैं तुम्हें सब बता दूं कि तुम मेरे लिए क्या हो। अगर हिम्मत कर ली होती तो पता नहीं आज लाइफ ही कुछ और होती। वो लम्हा जिस लम्हे में मुझे मेरे भाई ने बताया कि तुमसे शादी, सर मैं भगवान से एक ही चीज मांग रहा था कि नहीं ये शादी नहीं होनी चाहिए, अपनी सिर्फ मेरी है, वो किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती, मुझे अपनी वापस चाहिए। और शायद मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए भगवान ने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया। मेरी बद्दुआ मेरे भाई को भाई तुम वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ, मैं अफनी को ऐसे नहीं देख सकता। वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ तुमसे प्यार करती है, और मैं अब अफनी को भूल जाऊंगा, उसके बारे में भी नहीं सोचूंगा। ब्रेकफास्ट अभी लेके आ रही हूँ। आपने दवाई ली पापा? हाँ बेटा दवाई तो ले ली, पर तू मेरी इतनी चिंता मत किया कर, तेरे जाने के बाद बहुत ही मुश्किल होगा तेरे बिना रहना। उसकी नौबत ही नहीं आएगी पापा, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाना, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। सच कहूँ ना बेटा, तो मैं भी यही चाहता हूँ, तू हमेशा हमेशा के लिए इस घर में रहे, लेकिन मेरे बेटे की बेवा बनकर नहीं, सुहागन बनकर। बेटा जिंदगी एक गाड़ी की तरह होती है जो एक पहिए पर नहीं चल सकती, हम सबको एक साथी की जरूरत होती है, तो कब तक ऐसे ही अकेली रहेगी? बेटा तुम और गौतम कितने गहरे और पुराने दोस्त, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहते हो। मैं जानता हूं बेटा ये बात तुम्हें थोड़ी अजीब तो जरूर लगेगी, पर इसमें कोई हर्ज नहीं कि तुम और गौतम दोनों शादी करके एक साथ इस घर में रहो, क्योंकि बेटा शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दोस्ती बहुत मायने रखती है, और वो तुम दोनों के पास है। रही बात प्यार की, वक्त के साथ साथ प्यार भी हो जाएगा। बेटा तुम सोचो और सोचकर मुझे जवाब देना। बदनसीब है कौन जिसका तो नसीब फोड़ने वाला है? कभी कभी एक पल की देर जिंदगी भर का इंतजार बन जाती। काश मैंने उस दिन तुझे कह दिया कि मैं तुझे कितना चाहता हूँ अपनी, तो हमारी ये कहानी आज कुछ और ही होती। उसे तुम्हें ये पेन नहीं आ चाहिए, किनो हमेशा अपने पास रखेगी और हमेशा तुम्हारे बारे में सोचेगी। किस्मत भी कैसे अजीब खेल खेलती है, उसे तुझे मिलाना भी था तो मेरे भाई से, ना जाने किस मोड़ पर ले आई ये किस्मत आज हम दोनों को। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया है अवनी, लेकिन मेरा प्यार आज भी तेरे लिए वैसा ही है, और वो कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं।
खुली आंखों में सोने लगे हो? नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। क्या? वो जान दो। अच्छा, तुम्हारा पेपर कैसा गया? तुम टॉपर्स इतना भाव क्यों खाते हो, बताओ ना कैसा गया? अरे तुझे पता है मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, काश मैं भी फर्रे बना ले जा। फर्रे और तुम, तुम्हें पता है ना चीटिंग के लिए भी टैलेंट चाहिए होता है। अच्छा, जो कि तुमसे नहीं हो पाएगा। एक सेकंड, तुमने चीटिंग की? आज पता नहीं सूरज कौन से डायरेक्शन से निकला है। ये यूज हो रहा है मेरे पेन का, आई मीन मेरे गिफ्ट का। अच्छा चलो अभी आइसक्रीम खिलाओ। एग्जाम खत्म हुई है, पार्टी तो बनती है ना? हाँ, लेकिन प्री खत्म हुए ना, मेंस तो खत्म नहीं हुए। चले। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं जानती हूँ, और मुझे भी तुमसे कुछ कहना। लेकिन मुझे जो कहना है वो मुझे बोल लेने दो। तुम्हें पता है कितने टाइम से ये बात मेरे अंदर है? मैं इससे ज्यादा ये बात अपने अंदर नहीं रख सकता। मैंने आज सुबह तुम्हारी और पापा की बात सुनी। गौतम, इसे आगे और कुछ मत कहना। नहीं नहीं अपनी, मुझे बोलने दो, मुझे जो कहना है कह लेने दो अपनी। आई वॉन्ट टू से दैट आई लव यू। आई लव मयंक, आई स्टिल लव हिम वेरी मच, एंड आई विल ऑलवेज लव हिम। गौतम, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें बहुत टाइम से जानती हूँ, पर मेरे मन में कभी तुम्हारे लिए एक दोस्त से बढ़कर कोई फीलिंग नहीं आई। पर मयंक, मयंक को तो सिर्फ मैं कुछ ही दिन जानती थी और मुझे उससे प्यार हो गया, और अब भी है, हमेशा रहेगा। मैंने बहुत कोशिश की मूव ऑन करने की। मैं सोचती थी कि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, लॉजिकल हूँ, पर मैं अपने दिल के आगे हार गई। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर मेरे पास अब वो प्यार नहीं है। मुझे सिर्फ एक दोस्त की जरूरत है अभी। क्या तुम मेरे दोस्त बनो? फिर से कर दी ना मेरे साथ चीटिंग। देखो ऐसा है कि मेरे लिए तुम्हारा साथ इम्पोर्टेंट है, फिर चाहे वो प्यार में हो या तुम्हारा दोस्त बनकर। चलो आइसक्रीम खाओगी? चलो। पल पल के रिश्ते का वादा है तुमसे, जिंदगी भर चाहेंगे ये वादा है तुम।